हे हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई ऑन राइड्स। सो KTM एडवेंचर लिए ऑलमोस्ट मुझको एक महीना हो चुका है और मैंने 800 किलोमीटर चला चुकी है। सो मैंने आज फर्स्ट सर्विस ही करवा दी बिकॉज मेरे को बहुत जल्द एक नई ट्रिप पे निकलना है, एक नई सीरीज़ आने वाली है अपनी। सो गाइस, ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट ये है कि मैंने कितना इसका सर्विस कॉस्ट पे किया फर्स्ट सर्विस में। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा कि मैंने इसमें क्या क्या एक्सेसरीज लोड करी हैं और हर एक्सेसरी की कितनी कॉस्ट मैंने पे करी है ऑनलाइन परचेजिंग में। फर्स्ट सर्विस का मेरे को कोई बिल नहीं मिला है क्योंकि आजकल KTM ऐप के थ्रू होने लग गया है सब कुछ ऑनलाइन, अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है। सो मैंने अपने फर्स्ट सर्विस में पे करें अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपीज़, जिसमें कि मेरा इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, चेन सर्विस हुई है एंड वॉशिंग हुई है। सो ये चार चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट 1800 रुपये। तो गाइस, KTM एक्चुअली प्रोवाइड करता है एक परफॉर्मेंस बाइक विद बजट मेंटेनेंस। सो हैट्स ऑफ टू KTM। KTM की हर बाइक बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है एंड बजट फ्रेंडली, प्लस मेंटेनेंस बजट फ्रेंडली है। सो गाइस, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, द एक्सेसरीज। सो सबसे पहली एक्सेसरीज की बात करूँ, जो आप खुद देख सकते हैं मेरे दोनों इंडिकेटर एक एक करके जल रहे हैं। सो दिस इज द फ्लैशर एक्स का फ्लैशर। सो इसमें अराउंड 60 पैटर्न्स एंड ऑल हैं और मतलब KTM एडवेंचर में आता नहीं है बाय स्टॉक हजार्ड लाइट, तो ये लगवाना पड़ा मेरे को। और आप देख सकते हो ऊपर ये मैंने विंडशील्ड एक्सटेंडर लगा रखा है, हेडलाइट ग्रिल लगा रखी है, जाना क्रैश गार्ड एंड सैडल स्टे, टॉप रैक एंड इवन दिस लिटिल थिंग, रेयर मास्टर सिलेंडर कवर, ये फ्रंट ब्रेक लिक्विड कवर। सो गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाइक में ऑलमोस्ट 35,000 की एक्सेसरीज लग चुकी हैं और आप चाहें तो 35 की जगह 60-70,000 किसी भी अमाउंट की लगवा सकते हैं, बिकॉज हर चीज़ का कुछ महंगा वर्जन ज़रूर अवेलेबल है। जैसे ये HGG की लाइट है, ये मुझे लगभग 3,500 या 4,000 के बीच में पड़ी है और अक्सर आप मैड डॉग लगाते तो वो 10,000 की पड़ती है, तो हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है। तो ये जो मेरी प्राइसिंग है 35,000 में ऑल एक्सेसरीज, ये मैंने खुद ऑनलाइन चूज़ कर करके एक रिव्यू देख के फिर इंस्टॉल करी है खुद घर में। सो गाइस, अब एक एक करके आपको सबकी कॉस्ट बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ थी फ्लैशर एक्स, इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपीज़। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज, दैट इज़ दी जाना का हेडलाइट ग्रिल। ये लगभग 3,000 रुपीज़ की है और ये आपके हेडलाइट को बड़े पत्थर वगैरह से पड़ने से बचाता है और प्रोटेक्शन ही देता है मेनली, लुक तो इम्प्रूव नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट। लाइट्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि इसके पीछे इसकी, बट आप ऑफ रोड वगैरह जाते हैं लद्दाख स्पिटी यानी कहीं से भी कुछ भी आगे पड़ सकता है। सो हेडलाइट बहुत कॉस्टली है, सो इट इज़ अ मस्ट। लेट्स मूव टू दी क्रैश गार्ड, ये जाना का क्रैश गार्ड है एंड इसमें स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 6,500 रुपीज़ की है एंड ये तो आप जानते हैं क्रैश गार्ड का यूज़ क्या है, कभी भी आप क्रैश होता है तो बाइक्स के बहुत सारे पार्ट्स को बचाता है प्लस आपके पैर को भी बचाता है। एंड लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एक्सेसरीज, विच इज़ दी HGG लाइट्स। ये चाइना मेड लाइट्स हैं और मैड डॉग्स इंडिया मेड है, बट इसमें इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, ये लगभग 3,500 रुपये की आती है और इसमें जुगाड़ क्लैम्प्स वगैरह सब लग जाते हैं, वायरिंग में भी कोई लोड नहीं है, स्विच भी बहुत सस्ते आते हैं। सो ये 3,500 का लाइट का सेटअप है। नेक्स्ट इज जाना सैडल स्टे, ये आप देख सकते हैं हम लोग टेल बैग लगाते हैं बड़ा वाला, तो एक इस साइड से निकल जाता है एक उस साइड से, सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस, हमें टाई करने में बंजी रोप्स वगैरह उसमें बहुत हेल्प होती है जाना सैडल स्टे की। सो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़। दी नेक्स्ट एक्सेसरीज इज दिस जाना का रेडिएटर ग्रिल, जो कि लुक बहुत अच्छा है इसका। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3,500, विच हेल्प्स योर रेडिएटर फ्रॉम स्मॉल स्टोन्स एंड ग्रेवल्स विच कैन एक्चुअली डैमेज योर रेडिएटर एंड मे बी सम कूलेंट कैन फ्लो आउट ऑफ इट। सो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सेसरी इज दिस फोक स्लाइडर्स, विच हेल्प्स योर फोक्स इन द क्रैश एंड जाना के स्पूल्स, जो पैडॉक स्टैंड में भी हेल्प करते हैं, मतलब बहुत चेन सर्विस ईजी रहती है इसकी वजह से। सो उन दोनों कम्बाइंड प्राइस है 2,000 रुपीज़। सो गाइज, नेक्स्ट एक्सेसरी इज फ्रॉम मोटरीन, दिस इज़ द टॉप रैक एंड मोटरीन की ब्रांडिंग है। मैंने जाना की इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे इसका लुक ज़्यादा पसंद आया। इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 3,400 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सेसरी इज अगेन फ्रॉम जाना, विच इज़ द रेयर मास्टर सिलेंडर कवर एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1,400 रुपीज़ का है। एंड इसी के साथ मैंने ये फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक ऑयल होता है उसके लिए भी मैंने कवर ले लिया है। इन सब चीज़ों से ज़्यादा यूजलेस है टू बी ऑनेस्ट, बट यार लुक बढ़ाते हैं, तो इसका प्राइस है 600 रुपये फ्रॉम जाना अगेन। एंड दिस इज़ द विंडशील्ड एक्सटेंडर फ्रॉम ईजी राइड और इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2,500। अभी आपको वाटर मार्क वगैरह दिख रहे होंगे, हालांकि बारिश का टाइम है तो इट्स ओके। सो ये मैंने इसलिए लगाया बिकॉज मुझे लग रहा था कुछ विंड ब्लास्ट फील हो रहा था अपने हेलमेट के आसपास, सो अब नहीं हो रहा है। सो हाईवे राइड के लिए बेस्ट है, फिर मैं निकाल दूंगा। सो मैंने अपने यूट्यूब चैनल कैसे ब्रांडिंग भी करा ली है फॉर द ट्रिप्स। लोग पूछते हैं आपको वीडियो बना रहे हैं GoPro लगा है क्या, चैनल का नाम है, सो दिस इज़ द नेम। एंड दिस साइड स्टैंड एक्सटेंडर आई गॉट इट फ्रॉम Amazon, लगभग 600 या 700 रुपये का था, मिल नहीं रहा था, आजकल सब कुछ अनअवेलेबल चल रहा है। सो ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को और ये जंग भी नहीं लगता है,
बारिश के टाइम मैंने फील किया अपनी बाकी बाइक्स में नीचे तरफ जंग लग गई है, सो ये प्रोटेक्ट करता है रस्ट से भी। सो वन मोर एक्सेसरी है, मतलब हैंडल बार राइजर होता है, आपने देखे होंगे बहुत वीडियोस में, जाना के मैंने ऑर्डर कर दिए, 2600 रुपये के उसकी प्राइस है, बट लगाए नहीं है बिकॉज मैं क्लच वायर चेंज होगा और बाकी वायर्स भी थोड़े थोड़े खिंच के बाहर आएंगे, हैंडल का हाइट बढ़ जाएगा। जिनकी हाइट 5'9" या 5'10" से ज़्यादा है उनको तो पक्का ज़रूरत है, बिकॉज अब जब ऑफ रोड में खड़े होकर चलाएंगे बाइक पे तो आपको आगे तरफ लीन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यू नो हैंडल बीइंग अ बिट एट द लोअर साइड करेंटली। मैं भी कुछ दिनों बाद इंस्टॉल कर लूँगा जाना वाले हैंडल बार राइजर। एंड मैं एक और एक्सेसरीज मंगा रखी है, ये जो रिमूव और GPS माउंट आप लोग देख सकते हो, इसको हटा के मेरे को अपना GPS का सेटअप लगाना है, मतलब मोबाइल माउंट टू बी प्रिसाइज। सो दैट्स अ टू पार्ट, एक तो काइंड ऑफ उसमें एक रॉड जैसा है विच इज़ 1200 रुपी एंड अ मोबाइल माउंट ओवर इट जो कि 800 रुपये का मैंने मंगाया, सो टोटल 2000 रुपीज़ का मेरा इसका मोबाइल होल्डर सेटअप है। सो गाइस मैंने आपको सारी एक्सेसरीज के प्राइस बता दिए हैं एंड आपको सब सारी एक्सेसरीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप इन जैसे सम करेंगे, मैंने जो एक प्राइस बताया लगभग 35,000 के आसपास बैठ रहा है। सो ये मेरा बजट था, मेरा एस्टिमेशन था एंड मेरी खुद की रिसर्च थी मुझे क्या लगाना चाहिए मेरी बाइक में, इसमें से आपको कुछ भी पसंद आए सो जस्ट रेफर द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ये एक शॉर्ट एंड डिटेल्ड वीडियो था सर्विस प्लस एक्सेसरीज के ऊपर। सो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।